मेरे बहुत ही सत्कारयोग्य साडे महबूब नेता श्री अरविंद केजरीवाल जी सिंह जी छोटेपुर साहब मैंबर ऑफ पार्लियामेंट प्रोफेसर साधु सिंह जी जसी सेखों जी गुरप्रीत घुग्गी जी दुर्गेश पाठक जी सारी लीडरशिप पहुंच चुकी है सारे साथियों को बेनती करूंगा कि अपना अपना स्थान लैन की कृपालता करन जी स्थान मुफ्ती साहब आज सर स्पेस दे दे आगे से थोड़े लफ्जा च ऐसे तुम लोग करते क्यों ऐसे अरेंज होता है यहां खड़ा करने वहां पर लगवा दिया तुम लोगों ने 14 16 घंटे आदमी जनरल आप जी का बहुत-बहुत शुक्रिया लग जिस तरह ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਸੈਕੂਲਰ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਹਰ ਧਰਮ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਰਸਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਬਰੀਫਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਭੀ ਭਾਈ ਬਹਿਣਾਂ ਕੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਆਦਾਬ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ आप सब लोगों को रमज़ान के पाक महीने की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहते हैं कि इस इफ्तारी के वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो दुआ सीधे कबूल होती है। मैं अल्लाह ताला से गुजारिश करता हूं आप सब लोगों की दुआएं कबूल हो और अपनी दुआओं में देश के लिए भी अमन चैन के लिए शांति के लिए भी दुआ कीजिएगा। आज जिस तरह से देश के अंदर कुछ ताकतें अल्लाह से गुजारिश है कि उनके मंसूबे नाकाम हो और सभी धर्मों के बीच में अमन चैन और शांति कायम हो। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने पाक कुरान के साथ बेअदबी की, वो बहुत गलत था। वो के कुछ लोगों को आम आदमी पार्टी को फंसाने के लिए उन लोगों ने ये सब किया। मेरा ये कहना है अगर आपको हमें ही बदनाम करना था आप किसी और चीज से बदनाम कर लेते, लेकिन पाक कुरान को बेअदबी करने की क्या जरूरत थी। कुरान बाइबल भी पवित्र है। कोई भी अगर व्यक्ति कहता है कि मैं हिंदू हूं और मैं ये करूंगा, मेरा मानना है कि कोई भी सच्चा हिंदू कभी भी कुरान को नापाक नहीं कर सकता, बाइबल को बेअदबी भी नहीं कर सकता, गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी भी नहीं कर सकता। सच्चा हिंदू वो है जो सभी धर्मों का सम्मान करता है, सभी धर्मों को प्यार करता है और सभी धर्मों को फलने फूलने की इजाजत देता है। तो मुझे बहुत दुख हुआ और आज पूरे दिल से अल्लाह ताला से इफ्तार के इस वक्त दुआ मांगते हैं कि अलग अलग धर्मों के बीच में जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है उनके मंसूबे नाकाम हों और सभी धर्मों के बीच में कुछ ताकतें यहो जी है देश के विच जिहड़ियां नफरत की राजनीति फैला रही ने। हर रोज़ आप इस तरह दी खबरां जिहड़ियां पढ़ रहे हैं। सो असी भी यही सारे मिल के दुआ करांगे कि देश के विच भाईचारा कायम रहे और साडा मुल्क सैकूलर मुल्क है और साडे मुल्क की जिहड़ी छवि है दुनिया के विच वो हर धर्म नूं इज्जत देने की प्यार करने की मनुखता की जिहड़ी कदर करन दी है।
सो असी नहीं चाहांगे कि साडे मुल्क की छवि खराब होवे और जेडे इस काम नू इस गलत काम नू अंजाम देंगे असी उन्होंने खिलाफ तुहाडे सहयोग नाल डट के लड़ांगे आखिरी दम तक लड़ांगे। सानू इस गल का कोई डर नहीं कि साडी जान चली जाए पर साडे गुरुआं पीरां ने जो सानू रस्ता दिखाया असी उह तों भटक नहीं सकते। ते असी बहुत बहुत थोड़ा धन्नवाद करदे हां इन्नी भारी गिणती च तुसी पहुंचे हो। तो मैं एक बार फिर बतौर तुहाडा नुमाइंदा होने के नाते अरविंद केजरीवाल जी का बहुत धन्नवाद करदा क्योंकि इन्हां लोगों ने सर इन्हां लोगों ने जो प्यार दिता जो मुहब्बत दिती है जदों पेटियां खुलियां सी वोटां वालियां तां पता लग्गिया सी कि मलेरकोटले वाले ये कहिंदे सी कि साडा रिकॉर्ड कोई तोड़ के दिखावे। सो इस करके मैं तुहाडे वल्लों भी ते अपने वल्लों चुने हुए नुमाइंदा तुहाडा होने के नाते मैं सारी साडी दिल्ली की टीम का बहुत बहुत स्वागत करदा धन्नवाद करदा बहुत बहुत मेहरबानी। हुण इस तों बाद नमाज होगी तो उस तों बाद रोज़ा इफ्तार की रस्म करेंगे। बहुत बहुत मेहरबान मिलो जी साहब जी पहला अमन इस्लाम की पैदा फरमा पहला अमन इस्लाम की पैदा फरमा मुल्क में सूबे में और हर जगह अमन इस्लाम की गहवारा नसीब फरमा या रहमान रहीम दुश्मनान इस्लाम को गर्क फरमा अल्लाह दुश्मनान इस्लाम को नेस्त नबूत फरमा या अल्लाह हमारे गांव को महजर फजल करम से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तफेल से कबूल फरमा सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जत अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रोजे का रोजा खोल सकते हैं टाइम हो गया रोजा खोलने का। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुन्तु वाकी का मन तू वाले का तवक्कल तू वाला रिस्क अफ्तर तू मैं जिन्हें भी भैन भाई हजे आए ने हजे आ रहे ने रस्ते च ने मैं तुहाडा चलिया होया कि कदम साडे सिर मत्थे खाना खा के तुसी जाना बहुत बहुत मेहरबानी केजरीवाल साहब की और सारी टीम की। ले गए बाबा लियो।